रूस से विद्रोह करने के बाद पुतिन की प्राइवेट आर्मी के मुखिया येवगिनी प्रिगोजिन निर्वासित होकर बेलारूस चले गए थे और यहीं पर वैगनर के लड़ाकों ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया था। लेकिन तब से लेकर अब तक प्रिगोजिन कभी कभार ही कैमरे के सामने आए थे, लेकिन अब प्रिगोजिन का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो वैगनर ग्रुप में युवाओं से भर्ती होने का आह्वान कर रहे हैं। प्रिगोजिन इस वीडियो में कह रहे हैं कि वो रूस को सभी महाद्वीपों में बड़ा बनाना चाहते हैं। प्रिगोजिन ने खुद बताया कि वो अभी अफ्रीका में हैं और रूस के लिए काम कर रहे हैं ताकि उसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रिगोजिन अपने लड़ाकों के साथ नाइजर जा रहे हैं। और इस सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में सेना ने तख्ता पलट करके राष्ट्रपति मोहम्मद बौजूम को बंदी बनाया हुआ है और इस पूरे खेल के पीछे रूस और वैगनर ग्रुप के होने के आरोप भी लग रहे थे। लेकिन वैगनर ग्रुप का ये वीडियो सामने आने के बाद इस पूरे तख्ता पलट के पीछे की कई परतें खुल गई हैं, क्योंकि सेना के समर्थन में नाइजर की जो भीड़ फ्रांस और पश्चिमी देशों के खिलाफ विरोध कर रही थी उनके हाथ में वैगनर ग्रुप की फोटो और रूस का झंडा भी देखने को मिलता है, जिससे इस बात की तस्दीक हो रही है कि नाइजर के खेल के पीछे कहीं पुतिन का हाथ तो नहीं है। आपको बता दें कि रूस से बगावत या गद्दारी की सजा मौत होती है, लेकिन वैगनर ग्रुप के मामले में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पुतिन ने प्रिगोजिन को माफ कर दिया और बेलारूस जाने दिया और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस पूरे बवाल में मध्यस्थता कराई थी और प्रिगोजिन को अपने यहाँ शरण दी थी। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि वैगनर ग्रुप को खुद रूस ने खड़ा किया है और इसकी फंडिंग भी रूसी सरकार ही करती है और वैगनर ग्रुप के कई लड़ाके यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। और अब प्रिगोजिन का नया वीडियो सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि पुतिन नाइजर में भी कुछ बड़ा खेल करने जा रहे हैं। Armée française